हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने व्यूअर्स को मैक्रम का बैंगल स्टैंड बताने जा रही हूँ। ये ड्रेसिंग एरिया में रखने का है और इसमें एक साथ 1 2 3 6 लाइन मैंने बनाया, इस कारण इसमें बहुत सारे बैंगल एक साथ इसमें हैंग हो रहा है। आपको कैसा लगा मेरा ये बैंगल स्टैंड, आप जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, ये जो बैंगल होल्डर है ये बहुत कम मैक्रम में बनता है, आप चाहें तो इसको वेस्टेज में भी बना सकते हैं और ये बहुत इजी है और बहुत कम मतलब खर्चे में बन जाता है, तो आपको इसको जरूर बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे मैक्रम के लेटेस्ट और यूनिक डिजाइन्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर येलो और ग्रीन कलर का मैक्रम का कॉम्बिनेशन यूज किया है, आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। 10 इंच का, 10 इंच का दो स्क्वायर रिंग चाहिए, 6 इंच का एक स्क्वायर रिंग और वुडन स्टिक मैंने यहाँ पे 12 इंच का लिया है। ये मैंने 3 लिया है, आप 6 भी ले सकते हैं। 3 पीस लिया है मैंने और लाइटर और सीजर। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम फर्स्ट स्टेप होगा ये 10 इंच का रिंग और 6 इंच का रिंग को हम जॉइंट करके यहाँ पर पाइपिंग करना स्टार्ट करेंगे। जॉइंट करने के लिए ये जो एक अंदाजे के लिए हम यहाँ पे ये जो जॉइंट का पोर्शन रहता है तो दोनों के जॉइंट के पोर्शन को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से पाइपिंग करते हुए फिर ये डबल रिंग को लेकर फिर इस तरह से पाइपिंग करेंगे। इसके लिए मैंने एक एक मीटर का येलो और ग्रीन कलर का कॉर्ड लिया है, ये बेस है नीचे का, इसको हम अटैच कर लेते हैं। रिंग के एक तरफ ग्रीन और एक तरफ येलो कॉर्ड रखना है और हम यहाँ पे सिंपल स्क्वायर नॉट जो हम लगाते हैं वो लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे अगर हम इस तरह से सेंटर में अगर इस 6 इंच के रिंग को रखेंगे तो इधर जितना स्पेस था उतना पाइपिंग हो गया है। अब हम ये दोनों रिंग को अटैच करके और तब पाइपिंग करना स्टार्ट करेंगे। कॉर्ड को नीचे से ले आए हैं, यहाँ पे हम थोड़ा टाइट पाइपिंग करेंगे। सेम कर लेते हैं पूरा पाइपिंग।
ये पूरा मैंने अटैच कर लिया है। अब हम इसको बैक साइड ले जाएंगे और कोई साइड से भी आप बैक साइड कर सकते हैं और बिल्कुल एकदम पॉइंट पे कट करना है। इसको यहाँ पे स्टिक कर देना। ये एक तरफ का हो गया फ्रेंड्स, इस तरह से। अब हम इसके इस 6 इंच के एक तरफ तो मैंने यहाँ पे पाइपिंग कर मतलब एक रिंग अटैच कर लिया है। अब इस तरफ भी हम सेम रिंग अटैच कर लेंगे। उसके लिए मैंने सेम यहाँ पे 1 मीटर का 2 कॉर्ड लिया है और इससे हम यहाँ पे सिंपल स्क्वायर नॉट लगाते हुए सेम प्रोसेस रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, इतना मैंने यहाँ पे कॉर्ड को कवर कर लिया है, कॉर्ड से लाइन को कवर किया है, तो ये आ रहा है। अब हम यहाँ पे इसको रिंग को अटैच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, नीचे का तरफ मैंने दोनों तरफ इसको 10 इंच के रिंग से 6 इंच के रिंग को अटैच कर लिया है। अब हम दोनों रिंग को इस तरह से लेंगे ऊपर का पोर्शन और हम यहाँ पे इसको अटैच करेंगे। इसको अटैच करने के लिए सेम वैसे ही जैसे मैंने 1 मीटर कॉर्ड लिया था, हम 1 मीटर कॉर्ड लेंगे और दोनों को अटैच कर यहाँ पे हम सिंपल स्क्वायर नॉट लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस तरह से दोनों तरफ इस स्टिक को हैंग करने के लिए डिजाइन बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए हम ये मैंने एक तरफ बना लिया है, अब हम इस तरफ सेम ऐसे डिजाइन बनाएंगे। यहाँ पे इसको पाइपिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे 2.5 मीटर का कॉर्ड लिया है। अब हम इस पे स्पाइरल मूव्स लगाएंगे। जितना मैंने यहाँ लगाया है उतना ही मैं लगाऊंगी। यहाँ मैंने 1 इंच के लगभग ये स्पाइरल मूव्स बनाया है। ये इस तरह से अब मैं इसमें ये दोनों कॉर्ड को लूंगी और दोनों कॉर्ड के बीच में
6 मटका बीट्स लगाना है हमको। मैं रेड कलर का 6 मटका बीट्स लगाऊंगी। मटका बीट्स लगा करके और फिर हमको दोनों कॉर्ड को, ये देखिए 6 मटका बीट्स लगा करके एक कॉर्ड अंदर और एक कॉर्ड को बाहर रखना है। और सेम वैसे ही हम टाइटली अब यहाँ हल्के हाथों से स्पाइरल मूव स्टार्ट करेंगे। थोड़ा दूर लगा लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसको ऊपर की तरफ प्रेस कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से था। मैंने इसको ऊपर की तरफ प्रेस किया, अब इसको हम आगे की तरफ घुमा देंगे तो इस तरह से इसमें होल जो हो जाएगा। तो इसमें हम देखिए वुडन स्टिक को ऐसे गोल गोल घुमाते हुए इस तरह से डाल लेंगे। अब फिर इतना स्पाइरल मूव्स मैं फिर बनाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जितना लेंथ मैंने यहाँ रखा है उतना ही मैंने यहाँ पे भी रखा, ये दोनों बराबर हो गया है। ये देखिए, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 टाइम्स मूव्स किया है। तो मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया। फिर हम यहाँ पे अब 6 ग्रीन बीट्स को फंसा लेंगे। एक ग्रीन बीट्स डालने के बाद सेम टाइटली इस तरह से कर लेना है और एक कॉर्ड पीछे और एक कॉर्ड आगे। अब हमको यहाँ पे स्पाइरल मूव्स लगानी है। इसको ऊपर की तरफ इस तरह से प्रेस कर लेंगे तो ये सर्कल बन जाएगा। फिर सेम प्रोसेस देखिए फ्रेंड्स, ये इतना लेवल में आ गया। इसके लेवल में अब हम इसमें फिर रेड कलर का 6 बीट्स डालेंगे।
स्टिक हो गया। अब ये एक तरफ का ये डिजाइन बन के तैयार है। हम इसको इस तरफ घुमा लेंगे आगे की तरफ। ये एक तरफ का बन गया। अब मैं इस तरफ भी खाली एरिया में आपको फास्ट फॉरवर्ड करके इस पर डिजाइन बनाना दिखा देती हूँ। सेम प्रोसेस रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज मैंने आपको यहाँ नहीं बताया है, मैं आपकी सुविधा के लिए मैं आपको इसको काउंट करके, ऐसे मैं एक लाइन बनाती हूँ, ऐसे ये एक लाइन है, इसी तरह का मैंने यहाँ पे 10 लाइन फर्स्ट में बनाया है। फर्स्टली 10 लाइन बनाएंगे, फिर उसके बाद 6 बीट्स फंसाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इतना दूर मैंने 20 टाइम्स मूव्स लगाया है। यहाँ मैंने कम इसलिए लगाया क्योंकि अगर मैं इसको 20 टाइम्स करूंगी तो फिर नीचे जो मैं, आप जब बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि नीचे जब मैं, अगर मैं इसके डिस्टेंस को नीचे घटाते जाऊंगी तो यहाँ बैंगल अटकेगा इसमें, तो इसमें टूटने का डर रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऊपर कम लगाया है, तो यहाँ पे मेरा बैंगल जो है वो हैंगिंग होते रहेगा। फिर यहाँ पे सेम प्रोसेस। देखिए फ्रेंड्स, ये चारों तरफ, मतलब चारों रिंग में मैंने इसी तरह से आगे और पीछे दोनों तरफ डिजाइन बना लिया है। अब ये जो स्टिक है इसको मैं कवर करूंगी, और ये नीचे का जो है, नीचे का जो दोनों रिंग है इसको कवर करना पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। बेस को कवर करने के लिए मैं इसको इस तरह से पलट लेती हूँ, और इसके लिए मैंने फिर यहाँ पर एक एक मीटर का, एक एक मीटर से थोड़ा सा कम है, 2 कॉर्ड लिया है, और इसको हम जोड़ लेंगे, और सेम जैसे मैंने यहाँ पे स्क्वायर नॉट लगाया था सेम वैसे ही हम यहाँ पे स्क्वायर नॉट लगाएंगे।
इस तरह से स्टिक कर लेंगे। अब एक तरफ जो ये लाइन है इसको फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ पर ये स्टिक है इसको रैप करना बताती हूँ। इसको रैप करने के लिए मैंने कोई कॉर्ड काटा नहीं है, मैं इसको बंडल से ही अटैच कर लिया। इतना हम छोड़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि क्या होता है कि जब हम इसको रैप करते हैं तो कितने व्यूअर्स का पास क्वेश्चन आता है कि ये खुल जाता है। 3 times मैंने यहाँ पे इसको फोल्ड करके खींच लिया है। अब मैं लाइटर से इसको अच्छे से मेल्ट कर लूंगी। ये देखिए ये बिल्कुल सिकुड़ गया है। अब इसके ऊपर जल्दी जल्दी से हमको कॉर्ड को इस तरह से फोल्ड करते जाना है। ये देख रहे होंगे ये पिघला हुआ पॉइंट भी इसी में हो रहा है, ये कभी नहीं खुलेगा। इस तरह से गोल घुमाते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 4 green मतलब मैंने यहाँ पे 6 stick लिया है, तो इसमें मैंने 4 stick को ग्रीन कलर से और 2 stick को मैंने यहाँ पे येलो कलर से रैप किया है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बैंगल होल्ड करना मतलब हैंग करना बहुत आसान है। इसको हम, ये जो मैंने इसमें डाला है इसको हम इस तरह से हटाएंगे और इसमें हम बैंगल डालेंगे और फिर इस तरह से ये देखिए ये अंदर बाहर सब होता है, इस तरह से इसमें डाल देंगे। ये देखिए बहुत इजीली इसके अंदर डाल देंगे और फिर इसको इस तरह से कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसमें बैंगल को फंसाएंगे। मैं आपको बैंगल को फंसा करके दिखा दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें इस तरह से मैंने यहाँ पे कितना सारा बैंगल हैंग किया है और ये देखिए ये बिल्कुल नहीं गिरेगा और इसमें दोनों तरफ से बैंगल हैंग हो गया है। ये देखिए दोनों तरफ से मैंने बैंगल हैंग कर लिया और मैं इसे कितना भी हिला रही हूँ ये नहीं गिर रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो बैंगल होल्डर है वो बनकर के तैयार है। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज और बात बता दूं, यहाँ पे जो मैंने मूव्स लगा करके ये डिजाइन बनाया है, पहले मैंने 10 times स्पाइरल मूव्स लगाया है, फिर 6 beads, फिर 20 times स्पाइरल मूव्स, फिर बीट्स, फिर 20 times स्पाइरल मूव्स, फिर बीट्स और फिर 20 times स्पाइरल मूव्स है। इस क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बहुत बड़ा साइज का चूड़ी है, ये 2.8 का है लगभग, तो इसलिए ये मतलब बड़ा बड़ा दिख रहा है। और आप बड़ा साइज वाला चूड़ी को यहाँ नीचे हैंग करें और बाकी सब को इधर 2.25 या 2.6 वगैरह का चूड़ी आप ऊपर ये सब हैंग कर सकते हैं। इस तरह से ये मेरा बैंगल होल्डर बन करके तैयार है। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।